आज हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो देश की नींव है। आज हम वो जानकारी देने वाले हैं जो देश का भविष्य है। आज हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो छात्र हैं, छात्र केजी से लेकर के और सीबीएसई से लेकर के और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। ये बहुत सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, नहीं हो पाते। एनडीए की तैयारी करते हैं, नहीं हो पाते। सीए की तैयारी करते हैं, नहीं कर पाते। एमबीए की तैयारी करते हैं, नहीं कर पाते। आईआईटी की तैयारी करते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताऊंगा जो आपकी तकदीर बदलेंगे, जो आपकी किस्मत में 4 चांद लगाएंगे। और वो उपाय हैं बहुत ही सिंपल, कोई खर्चा नहीं है आपका, और ये नेचुरल हैं। उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, माँ बाप अगर उनको इस्तेमाल कराते हैं, तो मेरा दावा है कि उनकी एजुकेशन, उनकी मेमोरी, उनकी पढ़ाई, उनका कॉन्फिडेंस 70-80% अच्छा हो जाएगा। एक तो कुंडली में जो होता है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उपाय से वो बहुत बड़ा चेंज होता है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपके बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है, या वो उसके सिर में दर्द होता है, या लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, या आपको ऐसा फील होता है बहुत जल्दी नींद आती है, तो आपको सबसे पहला उपाय बच्चों को ये करना चाहिए, फैशन को छोड़ देना चाहिए। जो बच्चे स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं और स्टडी टेबल पे पढ़ने के बाद दुनिया को दिखाते हैं कि हमने स्टडी टेबल बनाई है, देखिए हमारे फ्लैट में, हमारे बंगलों में, और माँ बाप बच्चों को जबरदस्ती उनके ऊपर बैठाते हैं, स्टडी टेबल पे बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका एक साइंटिफिक कारण मैं बता देता हूँ। आपने जैसे मैं अभी टेबल पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने सिर्फ 1.5 फिट या 2 फिट के सामने इस तरीके से टेबल का एक पर्दा रखा हुआ है, टेबल पर कहीं ना कहीं आपने सामने बोर्ड है, जब बच्चा पढ़ता है, काम करता है घंटे दो घंटे, तो उसका ब्रेन और उसकी आंखें थकनी शुरू हो जाती हैं और वो फिर अंगड़ाई लेता है। ऐसे जब शरीर थकता है तो अंगड़ाई लेता है इस तरीके से, ऐसे, जिससे शरीर में शरीर रिफ्रेश हो जाए। जैसे बहुत देर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है इस तरीके से करके। और जब हम आंखें खोलते हैं तो सामने बिल्कुल हमारे 1.5 या 2 फिट की दूरी पर एकदम डेड दीवार होती है, जिसको कुछ अलग बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। हमारी आंखों की रोशनी वहीं पर रुक जाती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, और फिर हम ऐसे करते हैं या फिर हम ऐसे करते हैं तो आंखों को रिलीफ आता है। जब बार बार यही सिचुएशन करेंगे तो बच्चा आपकी स्टडी टेबल पर नहीं बैठ पाएगा, उसकी आंखों पे मोटा मोटा चश्मा लग जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी और सिर दर्द हो जाएगा और उठ करके जाकर के बेड पर सो जाएगा। इसलिए अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं और आपकी टेबल इस प्रकार से लगी हुई है कि आपकी बिल्कुल टेबल दीवार पर है, और जैसे ही आप पढ़ के देखते हैं तो आपको दीवार दिखाई देती है, तुरंत हट जाए। आपको टेबल इस प्रकार से लगाना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने कम से कम 10-12 फिट खाली गैप हो, या विंडो के पास टेबल हो, आपका आई कॉन्टैक्ट एयर के साथ, यूनिवर्स के साथ हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिल पाएगी, उससे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा उपाय है कि जब आप रात को पढ़ें या दिन में पढ़ें तो आपको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। दूसरे कलर के अगर आप कपड़े पहनोगे तो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। काले कपड़े बिल्कुल पहने नहीं, नीले कपड़े बिल्कुल पहने नहीं, इनसे आपकी बॉडी के अंदर आलस आता है। इसलिए जो पढ़ना चाहते हैं उनको सफ़ेद कपड़े, नाइट ड्रेसेस वाइट ही होनी चाहिए। अपने पास गिलास रखें इस तरीके से, हमेशा चांदी का गिलास लेके रखें, उसमें 20-25 ग्राम प्योर चांदी भर के रखें और उसको पानी से भरते रहें। पानी भर जाए, जब प्यास लगे तो उसी को पिए इस तरीके से, फिर उसको भर दें, फिर पी लें। चांदी का गिलास, जो चांदी की जो कंडक्टिंग पावर है, यानी जो सुचालक है, ये बहुत जल्दी पानी को चार्ज कर देती है। चांदी भी चंद्रमा से संचालित है और पानी भी चंद्रमा से संचालित है, और शरीर के अंदर आपने देखा है कि कितने परसेंट, 70-75% पानी होता है, तो जो हमारे शरीर को रिसाइकल करता है, रिफ्रेश करता रहता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उस समय पानी पीते रहें। 3 उपाय हो गए। इसके अलावा आपको जब सोएं तो सोते वक्त किसी भी रूम में अगर आप सोते हैं, साउथ वेस्ट रूम में ना सोएं कभी भी, नॉर्थ वेस्ट के रूम में ना सोएं, नॉर्थ ईस्ट का, साउथ ईस्ट का अगर कमरा आपके पास है तो उसमें सोएं, लेकिन आपका सिर जो है साउथ की तरफ होना चाहिए, और
पैर आपके नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। तो आपका जो सर्कुलेशन है, रात को जब हम सो जाते हैं तो हम मेमोरी लेते हैं, मेमोरी हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है, और जब मेमोरी सेव होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो उस समय बहुत आसानी से हो जाएगी। जब आप सुबह जगेंगे तो जो आपने रात को याद किया वो आपको ओपन हो जाएगा। तो एक आपको ये उपाय करना है, और साथ में एक ज़्यादा महंगा नहीं है, एक पन्ना और मोती का लॉकेट, एजुकेशन लॉकेट होता है, अपने गले में डाल करके रखें। आप गले में डाल के रखें चाहे हाथ पे डाल के रखें, इसको डालने से आपकी मेमोरी और आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ये पांच बहुत छोटे से उपाय हैं, आप इनको करिए, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार आएगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।